खरगोन जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज ने संत शिरोमणि रविदास महाराज का दिल्ली में मंदिर तोड़ने पर विरोध जताते हुए कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मंदिर 1509 ईस्वी में बनाया गया था। बीते दिनों दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर गिरा दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर DDA को निर्देश दिए थे कि जो मंदिर बना है संत रविदास जी का, वो मंदिर सरकारी जमीन पे बना हुआ है। पर आपको बता दूं मैं कि भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए हैं और 73 साल के बाद में ये DDA बना है, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण आजादी के बाद में बना है। जो मंदिर बना हुआ है वो 600 साल पुराना है। तत्कालीन जो सुल्तान थे सिकंदर लोधी, उन्होंने नाम दाम लेकर संत रविदास जी को 13 एकड़ जमीन दान में दी थी। तब जाके जो रविदास जी के समर्थक थे उन्होंने मंदिर बनाया था और मंदिर निर्माण किया गया था। ये गलत जानकारी जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित जानकारी दी गई है कि सरकारी जमीन बनी हुई है। जो जमीन वन क्षेत्र बता रहे हैं वो जमीन पर और भी मंदिर कई बने हुए हैं, लेकिन एक जातिगत मानसिकता को लेकर सिद्ध रविदास जी का मंदिर तोड़ा, यह घृणित अपराध किया है इन लोगों ने। इनको तो DDA पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रामेश्वर बड़ोले, अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा, जिला खरगोन अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।